साथियों जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। हरियाणा की सभी टोल कंपनियां, टोल प्लाजा और टोल मैनेजर इस वीडियो को कान खोल करके सुन लें और साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आंदोलन स्थगित होने के साथ ये घोषणा की गई थी कि किसान टोल टैक्स नहीं देगा, क्योंकि ये टोल टैक्स नहीं है, गुंडा टैक्स है, और ये टोल प्लाजा नहीं है, ये रजिस्टर्ड लूट की दुकानें हैं। और चेतावनी देते हुए सभी टोल प्लाजाओं को यह कहा गया था कि जिस भी किसान के वाहन पर, किसी भी किसान की गाड़ी पर अगर यूनियन का झंडा लगा हुआ हो या उनकी जेब में यूनियन का पहचान पत्र हो, उनके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी ना की जाए, कोई जबरन वसूली ना की जाए, कोई गुंडागर्दी ना की जाए, वो टोल नहीं देंगे, उनको टोल से फ्री निकाला जाए। कुछ टोल ठीक लाइन पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टोल प्लाजाओं से शिकायतें आ रही हैं। कुछ जगह हमने जाकर के देखा है, कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन करके ठीक करवाया गया है। हम पुनः सभी टोल प्लाजाओं को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान का झंडा लगी हुई गाड़ी को टोल से फ्री जाने दें, उनको फ्री निकालें, या जिनकी जेब में आई कार्ड है यूनियन का उनको फ्री निकालें, उनके साथ बदतमीजी ना करें। कई जगह से बदतमीजी की शिकायतें आ रही हैं। जो भी टोल जबरन वसूली करेगा किसान से, उस टोल को फ्री कर दिया जाएगा, वहां पर धरना लगा दिया जाएगा। मेरी सभी टोल कमेटियों से, हमारे किसान भाइयों से और युवा साथियों से निवेदन है कि हमेशा अलर्ट पे रहें, कहीं से भी फोन सूचना आए तो तुरंत उस टोल पर पहुंच करके और उनको सबक सिखाने का हमें काम करना है। और हम पुनः सभी टोल प्लाजाओं को यह कहना चाहते हैं कि सुधर जाएं, नहीं हमें सुधारना आता है। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। ये टोल टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले भी कई बार चेतावनी दी है, उसके बावजूद कई जगहों पे दिक्कत आ रही है। सभी टोल प्लाजा अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से समझा लें, यह उनकी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद सब साथियों को। जय जवान जय किसान।